हे गाइस, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं शेयर मार्केट का जेठाला। जैसे गाइस आप थंबनेल के ऊपर देख ही सकते हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं आईटीडीसी के ऊपर। उसी के साथ देखिए गाइस, अगर 2020 और 19 की बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर कोविड का किसी को नुकसान हुआ था तो वो था टूरिज्म सेक्टर, क्योंकि देखा गया तो पूरा टूरिज्म सेक्टर बंद था। उसी के साथ साथ देखिए गाइस, होटल बिजनेस पूरी तरह से बंद थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद उसने रिकवरी अभी तक नहीं कर पाया गाइस, तो शायद आने वाले समय में शायद ये रिकवरी करके निकल जाएगा गाइस, क्योंकि देखा गया तो टूरिज्म सेक्टर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं, तो जिसके चलते हुए टूरिज्म सेक्टर को इसका फायदा हो सकता है। आज के दिन की अगर बात करूं आईटीडीसी की, तो आज के दिन एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया हुआ, लास्ट 30 मिनट के अंदर अगर देखेंगे पूरे टूरिज्म सेक्टर के अंदर तो एक मूवमेंट नजर आ रही होगी गाइस। बट देखिए गाइस, पूरा दिन फ्लैट था, बट लास्ट 30 मिनट के अंदर एक बहुत बड़ा आपको मूवमेंट नजर आया होगा गाइस। इससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चले गाइस आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो आ गए आईटीडीसी के ऊपर। देख सकते हैं गाइस, आज के दिन का हाई है इसका 410 का, ठीक है गाइस, 410 का इसका आज के दिन का हाई है गाइस। आप देख सकते हैं पूरा दिन आज के दिन इसे फ्लैट मूवमेंट में चल रहा था, बट सडनली एक उछाल आ गई, जिसके वजह से शायद गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ 20 से 25 पॉइंट की रैली नजर आ रही होगी गाइस आपको। देखिए गाइस, यहाँ पे 25 पॉइंट की रैली नजर आ रही है गाइस, तो 20 से 25 पॉइंट ये उछला हुआ है गाइस। उसी के साथ देखिए गाइस, एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट मिला, जिसके चलते हुए मुझे लगता है कि शायद ये आपको इमीडिएट टारगेट 420 के भी दिखा सकता है, और उसी के साथ 430 के भी, तो एक स्टॉप लॉस भी लगा के चले गए 5 रुपए का, क्योंकि देखा गया तो एक शायद यहाँ करेक्शन भी बन जाएगा तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं। बट देखिए गाइस, इमीडिएट के लिए मेरे को लगता है कि 420 430 के आपको टारगेट दिखा सकता है, क्योंकि देखा गया तो 407 का इसने ब्रेकआउट दे चुका है गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हाई हुआ करता था 407 का, बट आज के दिन की अगर क्लोजिंग की बात करूं तो देख सकते हैं 410 इसकी क्लोजिंग है, जिसके चलते हुए एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है। तो 407 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है गाइस, तो जिसके चलते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक शानदार आपको मोमेंट देखने को मिल सकती है। उसी के साथ अगर इसके मैक्सिमम चार्ट की भी बात करूं गाइस, तो मैक्सिमम चार्ट में भी आप देख सकते हैं इसमें अगर देखा गया तो 92% की उछाल है गाइस। तो देखिए गाइस, जहां कोविड आया था उसके बाद भी देखिए गाइस, इसने ज्यादा आपको नुकसान नहीं दिया। आप देख सकते हो गाइस, इसने ज्यादा नहीं बल्कि आपको लगभग 25 से 30% की गिरावट नजर आ रही होगी गाइस। बट देखिए गाइस, ये थोड़ा थोड़ा रिकवरी कर रहा है, लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही शानदार स्टॉक है। बट देखिए गाइस, इसका एक ओएफएस कभी भी आ सकता है, जिसके चलते हुए शायद ये आपको निचले स्तर पे भी बाय करने का मौका मिल सकता है वहां पर। तो जिसके चलते हुए गाइस, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए शानदार नहीं है। ओएफएस जब आएगा गाइस, तब ये नीचे आ जाएगा, जिसके चलते हुए लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक नहीं। बट देखिए गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए मैं कह रहा हूं आपको 430 इसका टारगेट्स और एक स्टॉप लॉस 5 रुपए का लगा के चली गई, ठीक है। उसी के साथ देखिए गाइस, अगर इसके बात करें हम क्वार्टरली रिजल्ट की भी, देख सकते हैं गाइस मार्केट कैप इसका 3,393 का इसका मार्केट कैप है, 3,393 करोड़ का। उसी के साथ अगर फेस वैल्यू की बात करूं, देख सकते हैं गाइस फेस वैल्यू इसका 10 है, डिविडेंड स्मॉल कैप कंपनी, इसके वजह से डिविडेंड नहीं देती गाइस। उसी के साथ बुक वैल्यू की बात करूं तो बुक वैल्यू इसकी 36.7 है। अगर इसके रिजर्व्स की बात करूं गाइस, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट बताना चाहूंगा, पूरी तरह से कंपनी डेट फ्री है, ठीक है। और उसी के साथ देख सकते हैं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स ग्रोथ भी देख सकते हैं गाइस, 2020 में सबसे ज्यादा इसके सेल्स ग्रोथ में आपको गिरावट नजर आ रही होगी। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं 340 करोड़, 348, नाउ द 336 एंड नाउ द सबसे ज्यादा गिरावट, ठीक है, 189। ये फाइनेंशियल ईयर 2021 है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको गिरावट नजर आ रही है। बट देख सकते हैं गाइस, प्रॉफिट के अंदर इससे भी ज्यादा गिरावट आपको नजर आएगी, क्योंकि देख सकते हैं गाइस यहाँ पे नेट प्रॉफिट है गाइस, नेट प्रॉफिट देखिए गाइस, एक लगातार नेट प्रॉफिट इसका बढ़ रहा था, ठीक है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा था। बट देखिए गाइस, जैसे कोविड आया वहां पे आप देख सकते हैं 11 करोड़, 18 करोड़, 14 करोड़, उसके बाद देख सकते हैं सडनली 22 करोड़। देख सकते हैं आप यहाँ पे चाहो तो 100% की भी इसे गिरावट बोल सकते हो, तो 100% की इसके अंदर आपको एक गिरावट नजर आ रही है। बट देखिए गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 70% की उछाल है गाइस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर यहाँ पे बात करूं गाइस, तो 120% की जंप है गाइस यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2020 में आपको सडनली एक बहुत जबरदस्त गिरावट नजर आ रहा है नेट प्रॉफिट के भी अंदर, तो इसकी वजह थी गाइस पूरा टूरिज्म सेक्टर बंद था, तो जिसके चलते हुए इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे तो आपको पूरी तरह से नेट प्रॉफिट नेगेटिव में नजर आ रहा है, जो कि नेगेटिव 30 है। तो गाइज इसकी बात करूं, देखिए गाइज, टूरिज्म सेक्टर बंद रहने की वजह से कंपनी के जितने भी एक्सपेंस थे वो कंपनी ने अपने रिजर्व्स के अंदर से किए थे, जिसके वजह से गाइज इसके रिजर्व्स में भी आपको गिरावट नजर आ रही होगी। देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे रिजर्व्स भी देख लीजिए गाइज, रिजर्व्स इसके 268 करोड़ हुआ करते थे, उसके बाद 261 करोड़, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको गिरावट फाइनेंशियल ईयर में दिख रही हो 2020 में, तो 229 देख सकते हैं गाइज, 229 करोड़,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको एक गिरावट नजर आ रही है, उसी के साथ देख सकते हैं गाइस, जैसे कि मैंने डेप्थ फ्री कहा था, पूरी तरह से डेप्थ फ्री कंपनी, आप यहाँ पे बोरिंग्स भी देख सकते हो गाइस, तो बोरिंग्स इसके ऊपर जीरो है, जिसकी वजह से पूरी तरह से डेप्थ फ्री है। उसी के साथ अगर मैं जैसे कहा था गाइस, ओएफएस कभी भी आ सकता है, तो गवर्नमेंट के पास इसके अभी भी 87.03 के स्टेक्स हैं, जिसके चलते हुए गाइस गवर्नमेंट इसकी कभी भी ओएफएस लेके आ सकते हैं, क्योंकि सेबी का एक रूल है गाइस, जिसके जरिए प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी सिर्फ 75% तक ही होल्ड कर सकते हैं। तो गाइस 25 जो रहता है वो पब्लिक के लिए होता है, तो पब्लिक के अभी आना बाकी है, तो ओएफएस कभी भी आ सकता है गाइस, देखा गया, तो जिसके चलते हुए आप लोग को निचले आपको निचले स्तर पर बाय करने का मौका दे सकता है। तो गाइज इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म के लिए जैसे कह रहा हूँ 430 के इसके टारगेट्स रहेंगे, ₹5 का स्टॉप लॉस लगा लेना। देखिए गाइज ये इमीडिएट टारगेट्स भी दिखा सकता है। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।